Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा और आप सब एकदम बढ़िया होंगे. So आज मैं आपको 5 tips देने वाली हूँ to stay motivated throughout the year. Okay? So I hope आज का session भी काफी useful लगेगा. Channel को subscribe कर देना if you have not and definitely share it with your friends as well. Okay, start करते हैं आज का session. Now बच्चा पार्टी, if you have not followed me on Instagram yet, वहाँ पे भी आप मेरे को follow कर लेना. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज nikita_08SAHU और टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो टू गेट कनेक्टेड विद मी मोर. सो वॉट वी हैव द मोटिवेशनल कोट टूडे, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर एंड डिफीट. आई होप ऑल ऑफ यू एग्री विद दिस. जब आप कोई नई चीज सीखते हो तो आपसे गलतियां होती हैं, आप कभी कभी लाइफ में हारते भी हो, राइट? सो इट्स अ प्रोसेस एंड पार्ट ऑफ लर्निंग. ओके, चलो. सो वॉट एग्जैक्टली इज द फर्स्ट टिप टू स्टे मोटिवेटेड? सेट योर गोल रेगुलरली एंड रिव्यू इट रेगुलरली. ऑब्वियसली अब आपके जो 10th के एग्जाम्स हैं कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? आपका गोल है जो लाइफ में, नॉट ओनली फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, इट कुड बी यू नो वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग और ईटिंग यू नो हेल्दी फूड. तो आपको मेक श्योर करना है आपके जो गोल्स हैं उसको लेके आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहो और अपने गोल को आप रिव्यू करो दैट यू आर पुटिंग इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स फॉर दैट और नॉट, ठीक है? जैसे कि कभी कभी होता है आपने भाई सुबह लगा लिया अलार्म कि आई विल वेक अप अर्ली, ठीक है, और आप उठ ही नहीं रहे हो, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो पुटिंग इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स डेली ताकि आपको वो गोल इन द लॉन्ग टर्म भी आपसे अचीव हो जाए, ठीक है? नाउ नंबर टू, ट्रैक प्रोग्रेस एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ डेफिनेटली. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव थॉट कि आप समर वेकेशन में फिजिकल एक्टिविटीज में इंडल्ज होगे, ठीक है, आप फिजिकल एक्टिविटी में इंडल्ज होगे, तो आपको मेक श्योर करना है कि यू आर और यू हैव टू एनालाइज कि आप उसके लिए इक्वल एफर्ट्स लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो. एंड यू हैव टू ट्रैक योर प्रोग्रेस कि आपने कितनी मेहनत की है. एंड इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू हैव टू ऑल्सो पैट योर बैक एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ. क्योंकि कई कई बार होता है कि वी एक्चुअली आर ऑलवेज ऑन सेल्फ डाउट, वी डू नॉट रिवॉर्ड आवर सेल्फ. सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर जर्नी, राइट? इट्स योर गोल. वी एज टीचर्स और योर फ्रेंड्स और योर फैमिली कैन मोटिवेट यू, ठीक है? तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ट्रैक करो अपना प्रोग्रेस और अपने आप को रिवॉर्ड करो, ठीक है? नाउ नेक्स्ट क्या है? ऑलवेज व्यू सिचुएशन फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव. आई कैन एक्चुअली टेल यू अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल. सो आई हैव बीन दिस सॉर्ट ऑफ अ पर्सन की जो पहले I was always, you know, my mind was always flooded with negative thoughts. And it's not, you know, very easy to stay positive throughout. पर हम कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? So, अगर आपका कोई situation, अगर आपको कोई experience आपके हिसाब से नहीं जा रहा है, means there are certain other plans for it. तो अगर आपका situation आपके according जा रहा है, well and good, excellent. अगर नहीं जा रहा है, definitely there is some other alternative coming out of it. So, what you can do, the least, the bare minimum, all if you can do ki you can stay positive in that situation, theek hai? It's very important to control your negative thoughts and at least try to stay positive, theek hai? So you can indulge yourself into meditation, है ना, वेर इन यू हैव द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज के टाइम में एट लीस्ट यू ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव. देयर इज सो मच नेगेटिविटी ऑल अराउंड, राइट? सो एटलीस्ट आप ट्राई करो पॉजिटिव रहने का एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ. Okay, next, find mentors. A mentor is someone who is experienced in the habit you want to change. Now, ऐसा कोई mandatory या obligatory चीज़ नहीं है कि भाई कोई personalized mentor ही आप लो. अगर आप ले रहे हो, it's excellent. So, your teacher, your friends, even your family can act as a mentor. So, what a mentor does is actually giving you the right pathway. कि आपको वो बोल रहा है कि इस हैबिट या इस आदत को सुधारो, पुट इन एफर्ट्स फॉर दैट. सो यू कैन एक्चुअली फाइंड अ मेंटर हु विल गाइड यू, है ना? जैसे कि आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो तो यू हैव अ प्रॉपर, यू नो, यू हैव योर प्रॉपर टीचर्स जो आपको गाइड करते हैं, आपकी गलतियों को बताते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो फाइंड योर मेंटर. अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट. आई एम टेलिंग यू, सेल्फ एनालिसिस इज द बेस्ट. यू आर योर ओन what should I say mentor sometimes who can actually tell you ki bhai ye aapki galat aadat hai, try to at least cut down that and build on new habits slowly and gradually. Aur ye jo motivational jo tips main aapko de rahi hu, ek din mein obviously follow nahi hota. Even I as a student has taken, you know, lot of time to indulge in good habits. It actually comes with lot of patience and consistency. Wahi difference aata hai, theek hai? I yahan tak I hope cheeze aapko samajh mein aa gayi hongi.
use exercise as one of your daily goals to improve your mental health. Again, when I talk about mental health, that is actually I feel most of the overlooked and sensitive topic. So jab aap physical activities mein indulge rehte ho, first of all you have a great level of happiness, you feel more confident. Also, आपका mental health काफ़ी अच्छा होता है, right? Because we have been only taught कि to take care of your physical health, but mental health भी equally important है. So आप at least कोशिश करो, मैं नहीं बोल रही कि जाके direct weights उठाने लग जाओ, right? You can indulge in Zumba, jogging, running, cycling, anything that you like, right? But make sure करो कि at least आप consistently उस पर काम कर रहे हो. ठीक है. नाउ बच्चा पार्टी, वी हैव वेदांतु लर्निंग सेंटर्स विच इज़ इन अ सिटी नियर यू. बहुत सारे सिटीज़ में ऑलरेडी है ये, अगर आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीट फाउंडेशन, IIT, JEE, NEET, राइट? तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली कॉल ऑन द गिवन नंबर, या फिर आपको लिंक दिया गया होगा एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन एक्चुअली क्लिक टू रजिस्टर थ्रू दैट नंबर. ठीक है. नाउ इन द वेदांतु लर्निंग सेंटर वी हैव द ग्रेट क्वालिफाइड टीचर्स, great content and rigorous test and practice. What is actually the difference over here? Apart from the teachers, you are also getting academic mentors जो आपको proper pathway देंगे आपके exam preparation के लिए. Content, again, 11th, 12th is very diverse. बहुत सारी new चीज़ें पढ़ोगे, तो content has to be top-notch. That also we are providing you. And the third one is rigorous test and practice. क्योंकि consistently अगर आप मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे और क्लैरिफिकेशन भी अच्छे से आएगी, राइट? नाउ ये सब के बाद भी वी आर एक्चुअली गिविंग यू द वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस. अगर आपका इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, यू कैन एक्चुअली गेट 100% फीस रिफंड. नाउ दिस इज एक्चुअली अ टू वे थिंग. द टीचर्स कैन बी टॉप नॉच, द कॉन्टेंट कैन बी टॉप नॉच, राइट? द टेस्ट कैन बी रियली रियली गुड. लेकिन अगर आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, दैट इज अनदर स्टोरी, राइट? तो इट्स अ टू वे थिंग, बट डेफिनेटली वी बिलीव दैट वी आर एक्चुअली गिविंग यू द बेस्ट टीचर्स, राइट? तो आपको भी मेहनत इक्वली करनी है ताकि आपका मार्क्स रिफंड हो एंड यू हैव सर्टेन ड्रीम्स और सर्टेन गोल्स इन योर माइंड. ठीक है. सो कौन कौन से कोर्सेज है वेदांतु ऑफलाइन सेंटर में? 12th स्टूडेंट्स के लिए JEE और NEET का एग्जाम, 11th मूविंग 12th के लिए JEE और NEET, 10th मूविंग 11th के लिए JEE और NEET, 7th मूविंग 8th, 8th मूविंग 9th और 9th मूविंग 10th के लिए JEE, NEET और फाउंडेशन का एग्जाम. दीज आर एक्चुअली द कोर्स नेम एंड द स्टार्ट डेट. तो अगर आप इन शहरों के आसपास रहते हो या एक या दो घंटे की दूरी में रहते हो, डेफिनेटली विजिट इट एंड ट्राई प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. इट्स द वेदांतु लर्निंग सेंटर विल बी डेफिनेटली यूजफुल. सो यू कैन एक्सपीरियंस हाईएस्ट पर्सनलाइज्ड अटेंशन एंड लर्न फ्रॉम द मोस्ट टेक एनेबल्ड क्लासरूम. टेक्नोलॉजी की मदद से आप पढ़ोगे, टाइम बचेगा एंड एफिशिएंटली स्टडी होगा एंड गेट अमेजिंग स्कॉलरशिप ऑफर्स, राइट? सो यू हैव जीत की राह वेर इन यू कैन लर्न फ्रॉम इंडिया टॉप नॉच टीचर्स. तो आप अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स से मिल सकते हो. इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट योर फेवरेट मास्टर टीचर एंड यू कैन अटेंड करियर काउंसलिंग. करियर गाइडेंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है इस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी स्टूडेंट्स इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हैं, राइट? सो यू आर गेटिंग करियर काउंसलिंग एज वेल, स्कॉलरशिप ऑफर्स और एक्साइटिंग गुडीज एज वेल. सो यू हैव हर्ष सर, पुलकित सर एंड AKR सर कमिंग इन दीज सिटीज. वॉट आर दीज सिटीज? मार्च 17 को दे आर एक्चुअली कमिंग टू भुवनेश्वर, मार्च 21 को एल्प्रो मॉल PCMC पुणे, मार्च 23 जनकपुरी दिल्ली और मार्च 31 को बापू सभागर पटना में, राइट? तो ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है एंड दीज आर सर्टेन चैनल्स विच यू कैन यूज फॉर योर एग्जाम का प्रिपरेशन. तो वी हैव वेदांतु JEE फॉर JEE एग्जाम का प्रिपरेशन, नीट एक्स, दैट इज द न्यूली लॉन्च चैनल जो कि AKR सर का चैनल है. डेफिनेटली सब्सक्राइब टू ऑल द थ्री चैनल्स इफ यू हैव नॉट. ठीक है. एंड देन यू हैव वेदांतु JEE मेड इजी, दिस इज फॉर JEE का प्रिपरेशन. तो ये बहुत अच्छे चैनल हैं वेदांतु पे, विच यू डेफिनेटली शुड सब्सक्राइब इफ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, इवन आई हैव अ शॉर्ट्स चैनल ऑफ 9th एंड 10th जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दैट पर्टिकुलर शॉर्ट्स चैनल एज वेल. आई नीड ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. आई होप आप आज का सेशन काफी यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा. Subscribe to the channel if you have not. Do share it with your friends as well. See you very, very soon. Happy learning, everyone. Bye-bye.